हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल नितेश। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का थर्ड एप्लीकेशन व्हीकल ऑन अ बैंक रोड का डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है और ये करते क्यों है। देखिए, हम लोग ने जो डेरिवेशन पढ़ा था व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, इसका ही अपडेटेड वर्जन है ये। मतलब क्या, इसमें हम लोग जब कोई भी सर्कुलर ट्रैक में टर्न लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में टर्न लेता है कोई गाड़ी या फिर व्हीकल, तो उसको कुछ एक रिक्वायर्ड स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। अगर उस स्पीड के बाहर वो अगर अपनी स्पीड बढ़ाता है तो वो बाहर उसकी डॉपलिंग हो जाएगी, ठीक है, टॉपल हो जाएगा वो। तो मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये जो व्हीकल है, गाड़ी है, वो इस पाथ से बाहर चले जाएगी, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोड को थोड़ा बैंक कर देते हैं, ठीक है, इंक्लाइन कर देते हैं। मतलब क्या कि एक मान लेते हैं यही कर्व रोड है, ये टर्न ले रहा है। अगर ये पहले ऐसा नॉर्मल एकदम हॉरिजॉन्टल था तो गाड़ी अगर एक स्पीड से, एक मिनिमम स्पीड से ज्यादा जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा चले जाएगी तो वो बाहर टॉपल हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होने की वजह से। लेकिन अगर इस रोड को देखिए, ये इनर सरफेस है, ये टर्न ले रहा है कर्व, ठीक है, तो ये इनर सरफेस है। अगर इस आउटर सरफेस को मैं कुछ एंगल से इंक्लाइन कर दूं, ठीक है, कुछ एंगल से इसको आउटर एज को उठा दूं, ठीक है, आपने ऐसा स्लोपी लैंड देखा होगा, ऐसा रास्ता देखा होगा कर्व वाले पाथ पे, ये रीजन कुछ है उसके पीछे का, हम लोग समझेंगे आज। तो उस रीजन से हम लोग बनाते हैं ताकि यहाँ पे जो हम लोग स्पीड है गाड़ी की वो और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को थोड़ा सा क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, जिससे थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। अगर इसको हम लोग डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज, ठीक है, जो आउटर एज है, ठीक है, ये इनर एज है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये इसका इनर एज है, ये क्या है, आउटर एज को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रेज कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ अ कर्व रोड अबव द इनर एज, मतलब इनर एज से थोड़ा ऊपर, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल टू टेक सेफर टर्न, ठीक है। अगर मैं इसका आउटर एज थोड़ा बढ़ा लूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो ज्यादा होगा उसको बहुत हद तक बैलेंस कर पाएगा, जिससे क्या होगा, और ज्यादा हम लोग स्पीड से यहाँ पे कर्व रोड पे टर्न ले सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब डेरिवेशन पे आते हैं। अब देखिए, हमारा जो कार है या फिर व्हीकल है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, लेकिन अब वो सर्कुलर ट्रैक हॉरिजॉन्टल नहीं है, अब वो थोड़ा उसमें क्या किया, मैंने बैंकिंग किया, मतलब क्या किया, थोड़ा सा आउटर एज को इंक्रीज कर दिया। तो पहले हॉरिजॉन्टल ऐसे था, अब मैंने कुछ एंगल से इसको इंक्रीज कर दिया। ये जो एंगल है इसको एंगल बोलते हैं थीटा, ये थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। और ये जो हाइट, जितना हाइट से इंक्रीज किया उसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मान लेता है वो व्हीकल है या फिर कार है ये, ठीक है, गाड़ी यहाँ पे ऐसे जा रही है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे। रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम लोग इतना ज्यादा रेस नहीं करते, थोड़ा सा ही रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम लोग ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले केस में, हम लोग यहाँ पे तीन केसेस पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे पहले केस में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स जो रोड और टायर में लग रहा होगा और एयर रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग आगे के जो डेरिवेशन है इसी में, जो आगे केसेस में वहां पे हम लोग उसको अकाउंट में लेंगे, लेकिन फिलहाल इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो सरफेस और टायर के बीच में लग रहा है और एयर रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इग्नोरिंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या, वही फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में इस व्हीकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। पहला देखिए, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, एमजी यहाँ पे लगेगा। अब देखिए, यहाँ पे सरफेस है तो सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब आप गलती से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे इसके अपोजिट मत बना देना, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सर्फेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन हमेशा लगता है, तो सर्फेस से परपेंडिकुलर मतलब कुछ ऐसे लगेगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एन है हमारा, ठीक है। अब देखिए, जो फोर्स सीधा है उसको हम लोग कभी छेड़ते नहीं, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, टेढ़ी होती है, हमेशा उसको क्या करते हैं, दो कंपोनेंट्स में हम लोग ब्रेक करते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा टेढ़ा है तो इसको हम लोग दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। हम लोग एमजी को भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग एन को ब्रेक करते हैं, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन को। तो इसके दो कॉम्पोनेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, तो एक कॉम्पोनेंट इसका यहाँ पे होगा, ठीक है, एक कॉम्पोनेंट इसका यहाँ पे होगा और दूसरा कॉम्पोनेंट इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब इस दोनों में से कौन सा कंपोनेंट कॉस एंगल बनेगा, कौन सा साइन एंगल बनेगा, इसको समझने के लिए यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा यहाँ पे एंगल थीटा यहाँ पे कौन है, ठीक है।
यहाँ पे ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब ये एंगल थीटा क्यों होगा, इसके पीछे का रीजन देखते हैं। तो ज्योमेट्री करना पड़ेगा यहाँ पे, मान लो हमारा सरफेस एंगल थीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक और पैरेलल लाइन बना दूं हॉरिजॉन्टल जैसा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए व्हीकल यहाँ पे है, मान लेते हैं ये व्हीकल को मैं पॉइंट समझता हूँ, और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन वो ऐसे लग रहा है, और इसके दो कंपोनेंट्स ऐसे हैं, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, और ये दोनों एक दूसरे, ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस दिस एंगल, मतलब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है, ये दोनों भी एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितना होगा, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, 90 माइनस दिस एंगल, मतलब 90 माइनस, ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, माइनस माइनस प्लस, फिर क्या होगा, कैंसिल होकर क्या बनेगा, थीटा, मतलब ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो समझ में आया एंगल थीटा कैसा आया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज्योमेट्री पता होना चाहिए, तो ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, एन कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा, एन साइन थीटा होगा। ये हम लोग ने पहले भी देखा कि कैसे फोर्स कंपोनेंट हम लोग ने 11 से पढ़ता है, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेफेस्ट स्पीड कितना हो सकता है। यहाँ पे हम लोग ने फ्रिक्शनल फोर्स को, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को यहाँ पे इग्नोर किया है, तो अब देखते हैं कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो एन कॉस थीटा है, एन कॉस थीटा जो है वो एमजी को बैलेंस कर रहा है, वेट को, ठीक है। और यहाँ पे जो एन साइन थीटा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स कर रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर एमवी स्क्वायर बाय आर। तो देखिए ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, और उसको इक्वेशन नंबर टू बोल देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन वन और टू को डिवाइड कर देते हैं सिंपली। अब देखिए वन और टू को डिवाइड करते हैं, पहले मैं टू और वन से डिवाइड करता हूँ, टू डिवाइड बाई वन, टू डिवाइड बाई वन, वी गेट क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाय, ये क्या है, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा डिवाइड बाय एम जी, ठीक है। यहाँ पे जो एन एन है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है, यहाँ पे टैन थीटा। अब यहाँ से एम जी एम एम क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है। अब क्या निकालना है यहाँ पे, पहले हम लोग सेफेस्ट स्पीड निकालते हैं, कितने स्पीड से हम लोग, देखिए हम लोग ने वो केस में क्या कहता था, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में, वहां पे हम लोग ने मैक्सिमम स्पीड निकाला था। तो यहाँ पे भी देखते हैं, अगर मैंने रोड को थोड़ा बैंड कर दिया तो अब स्पीड कितना ज्यादा हो जाएगा, अब मतलब सेफेस्ट स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो सेफेस्ट स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, ये क्या होगा, आर जी इधर चलेगा तो क्या होगा, आर जी टाइम थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर जी टाइम थीटा। तो ये क्या आ गया मेरे पास, सेफेस्ट स्पीड, ये क्या है, सेफेस्ट स्पीड। तो इस स्पीड से क्या कर सकता है, कोई व्हीकल इजीली यहाँ पे बैंक रोड पे ये टर्न ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये कितना एंगल है, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये फॉर्मूला है मेरे पास, टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा इनवर्स, या फिर थीटा इज इक्वल, सॉरी थीटा इज इक्वल टू टैन उधर चल जाएगा, तो क्या होगा, टैन इनवर्स हो जाएगा, टैन इनवर्स क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो क्या हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का भी फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हीकल कितनी मैक्सिमम स्पीड से जा सकता है, कितने मिनिमम स्पीड से जा सकता है, उसका केस देखेंगे, लोअर लिमिट ऑफ स्पीड और मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पीड। तो हम लोग यहाँ पे स्पीड लिमिट का केस देखते हैं, मतलब यहाँ पे लोअर स्पीड कितनी हो सकती है व्हीकल की, और मैक्सिमम कितने स्पीड से जा सकता है। तो ये रोड जो है यहाँ पे मान लेते हैं हमारा व्हीकल है, और ये कुछ एंगल पे अब क्या हो रहा है, इंक्लाइन हो रहा है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ये देखिए वेलोसिटी अगर जीरो रखने पे क्या होगा, ये स्लिप डाउन कर जा रहा है, मतलब अगर वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है, अगर वेलोसिटी जीरो है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा है तो गाड़ी किधर चल जाएगी, नीचे गिर जाएगी, ठीक है। लेकिन लोअर एंगल्स पे ऐसा नहीं होगा, वो स्टेबल रहेगा। तो अब इस चीज को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म से समझते हैं कि इक्वेशन में ऐसा दिख रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम केस ले लेते हैं, पहले हम लोग वही डायग्राम ले लेंगे यहाँ पे फॉर लोअर स्पीड लिमिट, ठीक है, लोअर स्पीड लिमिट मतलब मिनिमम कितनी स्पीड से मैं जा सकता हूँ, ठीक है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो सारी चीजें देखेंगे, एंगल पर डिपेंड करेगा, टाइम फंक्शन पर डिपेंड करेगा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अभी फ्रिक्शनल फोर्स जो थी उसको हम लोग यहाँ पे इग्नोर नहीं करेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा और अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन,
यहाँ पे हमारा व्हीकल है, ठीक है, इसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ठीक परपेंडिकुलर है, और ये कंपोनेंट क्या होगा n cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा n sin थीटा, ठीक है, इतना हमको पता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, अब देखिए अगर लोअर स्पीड लिमिट है मतलब ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, लोअर स्पीड लिमिट है तो क्या होगा, हमने अभी देखा था कि वो जो व्हीकल है वो नीचे की तरफ गिरेगा, तो फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है, फ्रिक्शन क्या करेगा, रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट काम करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, ये साइड में लगेगा, ठीक है, यहां पे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शनल। अब देखिए ये भी टेढ़ा फोर्स है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सीधा करेंगे, ठीक है, दो कंपोनेंट्स में, तो एक कंपोनेंट्स का यहां पे होगा और एक कंपोनेंट्स का परपेंडिकुलर टू यहां पे, ठीक है, मतलब यहां, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, हम लोग यहां पे पहले डिस्कस किया, तो क्या होगा fs cos थीटा और ये क्या होगा fs sin थीटा। अब यहां पे इसको अगर मैं पॉइंट समझूं, ठीक है, अगर इस व्हीकल को पॉइंट समझूं तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो देखते हैं। यहां पे नीचे mg लग रहा है, ठीक है, ऊपर लग रहा है n cos थीटा, यहां पे लग रहा है n sin थीटा, और फ्रिक्शन को फ्रिक्शनल का यहां पे क्या लग रहा है, fs sin थीटा, और यहां पे लग रहा है fs cos थीटा, ठीक है। अब यहां पे फोर्स कंपोनेंट्स के हेल्प से हम लोग यहां पे देखेंगे कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है और ये दोनों इसके अपोजिट है, मतलब ये दोनों फोर्स मिलके एम वेट को बैलेंस करें, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर वन बोल दो, है ना। अब देखिए यहाँ पे एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एन साइन थीटा माइनस माइनस थ्री की दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, एफ एस कॉस थीटा इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स और बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब क्या mv स्क्वायर बाय r, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपली दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2, वी गेट क्या मिलेगा, यहां पे दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, n cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू mg होल डिवाइडेड बाय n sin theta minus fs cos theta divided by mv square by r। अब यहां पे देखिए जो m से m चला जाएगा, अब यहां पे इस साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम लोग cos से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, cos से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड विथ cos थीटा, ठीक है, cos थीटा से डिवाइड करते, तो क्या होगा, देखो अगर मैं n cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा, देखो अगर मैं cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो पूरा इक्वेशन cos थीटा से डिवाइड होगा और ये भी पूरा इक्वेशन cos थीटा से डिवाइड होगा, ठीक है, यहां पे cos थीटा का हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे, अगर डिवाइड भी करेंगे तो क्या cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहां पे उनको जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहां पे अगर देखिए मैं यहां पे करके दिखाता हूं, ये जो n cos थीटा है प्लस fs sin थीटा ये क्या होगा, होल डिवाइडेड बाय cos थीटा हो जाएगा, अब ये होल डिवाइडेड बाय ये जो n sin थीटा है माइनस fs cos थीटा है, ये भी क्या होगा, cos थीटा से डिवाइड होगा, इज इक्वल टू, अब देखिए ये r ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, rg बाय v स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सब यहाँ पे मिस करूंगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ये मैं इक्वल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिखाऊंगा, आपको मालूम है कि cos थीटा क्या होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो जब इसके साथ डिवाइड होगा तो क्या होगा, cos cos कैंसिल होकर क्या बचेगा, खाली n बचेगा प्लस, अब देखिए एफ एस तो ऐसे रहेगा, साइन डिवाइड बाय कॉस क्या होगा, टेन होगा, तो एफ एस टेन थीटा डिवाइड बाय एन साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, तो एन टेन थीटा माइनस एफ एस, यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल होकर क्या होगा, वन हो जाएगा, तो खाली एफ एस बचेगा, इज इक्वल टू आर जी अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एफ एस है, एफ एस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एस इंटू एन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो n प्लस म्यू एस इंटू एन टैन थीटा बाय एन टैन थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखिए n यहां से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, यहां पे n क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, वन प्लस म्यू एस टैन थीटा डिवाइड बाय, यहां से भी n कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा, टैन थीटा माइनस म्यू एस इज इक्वल टू आर जी अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे देखिए अगर मैं बी स्क्वायर निकालू, ठीक है, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी को मैं इधर लेके आता हूं,
और आरजी को ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। ये पूरा टर्म वहां जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, क्या बचेगा, टैन टीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टैन टीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या निकाल रहे हैं अभी, लोअर स्पीड लिमिट, तो क्या होगा मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी होगा। अभी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन टीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टैन टीटा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, अब इसको देखते हैं इक्वेशन वैलिड है या नहीं, वैसे तो वैलिड है लेकिन इसको क्रॉस चेक करते हैं। हम लोग ने सेफेस्ट स्पीड का जो इक्वेशन निकाला था क्या था, आरजी टैन थीटा, ठीक है, आरजी टैन थीटा। यहाँ पे हम लोग ने फ्रिक्शन को जीरो अज्यूम किया था, मतलब नेग्लेक्ट किया था, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो मतलब ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा तो खाली क्या बचेगा टैन, और वन प्लस ये भी क्या होगा जीरो, ठीक है, म्यू एस जीरो है तो पूरा क्या होगा जीरो, तो वन प्लस जीरो क्या होगा वन, तो अंडर रूट ऑफ आरजी टैन थीटा, तो यही आएगा इक्वेशन सेफेस्ट स्पीड का, ठीक है। लेकिन मैंने केस बताया था, अगर म्यू एस अगर इक्वल हो गया, अगर मान लो टैन थीटा से इक्वल हो गया तो ये क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा वेलोसिटी क्या होगी, वी मिनिमम क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। देखिए अगर म्यू एस टैन थीटा से इक्वल है तो भी जीरो होगा, लेकिन अगर ये इससे ग्रेटर है तो भी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो भी क्या होगा ये, अगर ये पार्ट ग्रेटर है तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये पूरा टर्म जीरो के क्लोज आने लगेगा, टेंड्स टू जीरो, मतलब मिनिमम वेलोसिटी हम लोग जीरो रख सकते हैं अगर एंगल क्या हो छोटा हो, ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो कम हो, ज्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा तो मिनिमम वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, स्लिप डाउन कर जाएगी। अब इसके बाद अपर मैक्सिमम लिमिट देखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट देखते हैं। तो अब देखते हैं अपर स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए किसी व्हीकल की जब वो टर्न ले, ठीक है। तो देखिए जब हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न लेता था तो मैक्सिमम स्पीड कुछ कम होती थी, लेकिन यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड है तो मैक्सिमम स्पीड और ज्यादा हो सकती है, तो वो कितनी ज्यादा हो सकती है वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, मतलब अपर स्पीड लिमिट मतलब क्या, मैक्सिमम स्पीड कितने स्पीड से जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी अब अपोजिट होगी, जैसे पहले केस में फ्रिक्शन यहाँ लग रहा था क्योंकि गाड़ी यहाँ पे नीचे गिर रही थी, लेकिन अगर स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो गाड़ी है व्हीकल हो क्या होगी, टॉपल होगी बाहर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के से बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाहर जाना चाहता है लेकिन फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा, ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ खींचेगा, एफ एस यहाँ पे अंदर की तरफ खींचेगा। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स अगेन टेढ़ा है तो इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, पहला यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर और यहाँ पे इसका, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कॉस फंक्शन कौन सा होगा और साइन फंक्शन कैसे होगा, तो कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे एंगल कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंगल टीटा आएगा, अब ये टीटा एंगल यहाँ पे कैसे बनेगा उसको देखते हैं। देखिए पिछले हम लोग ने पहले भी देखा था कि यहाँ पे टीटा है, तो ये एंगल अगर टीटा है पहले से हमको मालूम है, तो ये 90 है पूरा एंगल, ठीक है, तो ये एंगल 90 है और ये एंगल कितना हो जाएगा फिर 90 माइनस टीटा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये जो लाइन है और ये लाइन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये एंगल 90 माइनस टीटा है, तो ये एंगल 90 है टोटल, तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस ये एंगल, तो 90 माइनस ये एंगल करेंगे तो एंगल क्या आएगा टीटा, तो ये क्या होगा एंगल टीटा होगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ये क्या हो जाएगा, ये साइड क्या हो जाएगा एफ एस cos थीटा और ये क्या होगा एफ एस साइन थीटा, ठीक है। अगर इसका हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा व्हीकल है, यहाँ पे नीचे mg लग रहा है और इसके ऊपर क्या लग रहा है n cos थीटा लग रहा है, यहाँ पे n साइन थीटा लग रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का एक कंपोनेंट लग रहा है एफ एस cos थीटा और नीचे की तरफ यहाँ लग रहा है एफ एस साइन थीटा, ठीक है, ये सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और कोई फोर्स तो नहीं रह गया ना, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखते हैं फोर्सेस कौन से फोर्स क्या कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है और इसकी ये अलग है, तो दोनों में क्या बोल सकता हूँ, ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी ये क्या कर रहा है एन कॉस थीटा को बैलेंस कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर वन बोल दो, या फिर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, इसको यहाँ पे लिखा जाता हूँ, इसको यहाँ लिखा जाता हूँ, ठीक है। मतलब क्या होगा n cos theta ये इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर वन। ये क्यों क्या आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों फोर्सेस रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे
also n sin theta plus fs cos theta is providing the necessary centripetal force या फिर balancing the centrifugal force, और उसका formula क्या होता है mv square by r. equation number 2. अब देखिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, पहले जो करते थे इक्वेशन वन और टू को हम लोग क्या करते हैं सिंपली डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो वन डिवाइड बाय टू कर दो तो क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलेगा. क्या होगा ये n cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये क्या है n sin थीटा प्लस एफ एस cos थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है mg होल डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर बाय r. अब यहां से समझ में आ रहा है कि mm यहां पे कैंसिल हो जाएंगे इजीली. ठीक है, यहां पे mm क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अब देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं, अगेन हम लोग यहां पे क्या करेंगे cos से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे. यहां पे कोई डिवाइड करके फायदा है नहीं, तो हम लोग लेफ्ट साइड में ही डिवाइड करेंगे. यहां पे भी करेंगे तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, जो हम लोग ने पिछले लोअर लिमिट वाले केस में देखा था. ठीक है, तो यहां पे दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं अपर नीचे cos से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो cos से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है आप वहां पे लिख लेना डिवाइडिंग बाय cos. ठीक है, cos थीटा यहां पे n cos थीटा प्लस सॉरी माइनस एफ एस साइन थीटा, ये क्या होगा होल डिवाइड बाय cos थीटा, अगेन होल डिवाइडेड बाय ये क्या है n sin थीटा प्लस एफ एस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा. यहां पे क्या हो जाएगा, ये r ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा rg अपॉन v स्क्वायर. अब देखो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये cos थीटा दोनों के साथ इक्वली डिवाइड होगा. ठीक है, ब्रेक होके तो यहां पे क्या होगा n cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या होगा n होगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे माइनस fs यहां पे sin थीटा बाय cos थीटा क्या होगा tan थीटा, तो यहां पे tan थीटा आ जाएगा डिवाइड बाय n sin थीटा बाय cos थीटा क्या होगा n tan थीटा प्लस cos cos कैंसिल होगा तो fs आ जाएगा इज इक्वल टू rg बाय v स्क्वायर. अगेन यहां पे fs की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है म्यू s into n, तो यहां पे हम लोग पुट कर सकते हैं, तो म्यू s into n पुट करेंगे तो क्या होगा यहां पे n हम लोग कैंसिल ले सकते हैं, सॉरी कॉमन ले सकते हैं, जो हम लोग ने अभी डेरिवेशन भी किया था लोअर लिमिट वाले में वैसे ही करें. तो यहां पे क्या होगा 1 माइनस म्यू s into tan थीटा डिवाइड बाय n, यहां पे अगेन कैंसिल कॉमन आएगा, यहां पे क्या होगा tan थीटा प्लस म्यू s इज इक्वल टू rg बाय v स्क्वायर. ठीक है, अब यहां पे n n देखो सिंपली कैंसिल हो रहा है. ठीक है, कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा यहां पे, अगर मैं v स्क्वायर को इधर लेके आऊं और बाकी सारे टर्म्स को उधर लेके जाऊं तो क्या होगा rg तो ऐसे ही रहेगा, अब ये उधर जाएगा तो क्या होगा पूरा इनवर्स हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा. ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे अपर लिमिट, अपर स्पीड लिमिट मतलब ये क्या होगा मैक्सिमम होगा, यहाँ पे कौन सी स्पीड है मैक्सिमम स्पीड, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा. ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम लिमिट का इक्वेशन आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे अगर वही हम लोग सेफेस्ट स्पीड के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे या फिर क्रॉस चेक करेंगे तो क्या आएगा, देखो म्यू एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या होगा अगेन ये फॉर्मूला यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे केस है अगर थीटा 45 डिग्री एंगल से इक्वल हो गया फिर उसके ज्यादा हो गया तब मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है इंफिनिटी. ठीक है, अगर एंगल 45 डिग्री हो या फिर उससे ज्यादा हो, ठीक है, या इंक्लाइन एंगल 45 डिग्री हो या फिर उससे ज्यादा हो तो व्हीकल कितने स्पीड से मैक्सिमम स्पीड से घूम सकता है इंफिनिटी, कितनी भी स्पीड होने दो. ये हम लोग ने बॉल ऑफ डेथ में भी ये केस देखा था. ठीक है, अगर इससे कम है तो यहाँ पे इसको कुछ यहाँ पे ये फॉर्मुला के हिसाब से यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है उसके हिसाब से इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके हम लोग देखना पड़ेगा कि कितना मैक्सिमम स्पीड वो जा सकता है. ठीक है, तो यहां से मुझे लगता है कि आपको पूरा डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. और इसके पहले जो हम लोग ने दो एप्लीकेशन किए हैं एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, वो भी जरूर देखना, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं. ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Thank you.